नमस्कार, आप देख रहे हैं मिस्टर इमरान न्यूज नेटवर्क। गरियाबंद जिले के राजीव पुलिस ने जान से मारने की कोशिश करने वाले दो फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। राजीव थाना प्रभारी विकास बघेल ने बताया कि घटना आज से करीब 9 माह पहले की है। ग्राम कपसीडी निवासी भगवानी साहू रात में वह एक कार्यक्रम से खाना खाकर वापस घर लौट रहा था, तभी अचानक किसी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जान ने वह हमला कर दिया। अज्ञात व्यक्तियों ने जान से मारने की नियत से भगवानी साहू को बार बार किसी कठोर वस्तु से वार कर मारा है और अधमरा होने पर वहां छोड़कर भाग गए थे, जिसके रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लेकर फरार आरोपियों की पतासाजी में पुलिस जुट गई थी। विवेचना के दौरान ग्राम कपसीडी निवासी कमलेश साहू व नरेश साहू को थाना में तलब किया गया। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपना अपराध करना स्वीकार किया है, जिन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया है। मामला ग्राम कपसीडी का है। आज से 9 महीने पहले जो है पुलिस त्योहार के समय की बात है। भगवानी साहू करके कपसीडी के निवासी है, उनको जो है रात में किसी के यहाँ से आ रहा था पंगत खा करके, तो उसके बाद अचानक कोई अनजान व्यक्ति जो है हमला कर देते, जिससे लहूलुहान होकर के वो हॉस्पिटलाइज किए थे। उसके हॉस्पिटल से आने के बाद उनके परिजन के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराने से जो है मामला गंभीरता को देखते हुए जो है एफआईआर दर्ज की गई, पता तलाश की जा रही थी। पता तलाश करने के दौरान जो है ही दो व्यक्ति कमलेश और नरेंद्र साहू उनके द्वारा जो है घटना कैद करना पाया गया, जिससे जो है विधिवत गिरफ्तार कर आज न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मिस्टर इमरान न्यूज नेटवर्क के लिए लक्ष्मी शंकर चक्रधारी की रिपोर्ट, गरियाबंद।